प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। 28 दिसंबर यानी कि आज कानपुर के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का दिन है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं आज कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे, वहीं IIT से मोती झील तक जो है कानपुर मेट्रो का प्राथमिक कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ मोती झील मेट्रो के अंतिम स्टेशन पर प्राथमिक कॉरिडोर पर खड़ा हूँ। यहाँ पर जो है IIT से मोती झील तक कानपुर मेट्रो का मेट्रो चलेगी, जिसको 29 तारीख से जो है कानपुर के यात्री जो है मेट्रो में सफ़र कर सकेंगे। आपको बता दें कि 11,000 करोड़ रुपए की लागत से कानपुर मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर जो बनाया गया है उसका आज उद्घाटन होना है, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना करेंगे। वहीं आज प्रधानमंत्री जो है 10:25 पर आज कानपुर पहुँचेंगे, और 10:25 पर कानपुर पहुँचेंगे, उसके बाद वो IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगे। उसके तत्पश्चात वह IIT से गीता नगर तक मेट्रो में सफ़र करेंगे। उसके बाद वह निराला नगर स्थित रेलवे मैदान में जाएंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले ही वह कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। जब प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखा रहे होंगे, उस वक्त कानपुर मेट्रो में 150 स्कूली बच्चे सफ़र कर रहे होंगे, जो IIT से गीता नगर तक सफ़र करेंगे। वहीं उस दौरान हम बच्चों से भी बात करेंगे कि वो किस तरीके से महसूस कर रहे हैं। हालांकि अब कानपुर को मेट्रो मिलने से कानपुर मेट्रो सिटी के नाम से भी घोषित हो गई है। हालांकि अब कुछ लोगों से भी बात भी करेंगे, हमारे साथ में कुछ लोग भी उनसे भी बात करते हैं कि सामने, लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि सामने जो फ्लैक्स लगा उस पर लिखा हुआ है कानपुर मेट्रो का उपहार डबल इंजन की सरकार, यानी कि कहीं ना कहीं जो BJP सरकार है वो मोदी और योगी दोनों को मिलाकर डबल इंजन की सरकार होने का वादा कर रही है। लेकिन हमारे साथ में कुछ लोग भी, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया? सूरज पाल नाम है हमारा। आज मेट्रो को कानपुर को मेट्रो की सौगात मिले, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बड़ा खुशी का पल है, जो इतने वर्षों से हमारा जो काशी जो कानपुर जो स्मार्ट शहर कहलाता था बिना एक मेट्रो के रह रहा था, आज मेट्रो एक शहर में आ रही। हम सब के लिए, शहर वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और दीर्घायु हो, और इसी प्रकार से शहर तथा अन्य शहरों का भी विकास करते रहें, ऐसे हम लोग की कामना है। और जो बहुत दिनों से कार्य लंबित देखा करते थे हम लोग, आया करते थे क्रॉसिंग से, जूझा करते थे, आज जो मेट्रो आकर के स्मार्ट सिटी और जो शहर जो आज हम लोग को देखने को महसूस हो रहा है कि बड़े बड़े शहरों दिल्ली लखनऊ बॉम्बे जैसे शहरों को आज हमारे कानपुर जैसा शहर बनाया गया है, इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बारम्बार आशीर्वाद के रूप में कानपुर की जनता उनको आशीर्वाद दे रही है, और यही आशीर्वाद 2022 में उनको वोट के रूप में भी मिलता रहेगा, तथा डबल इंजन की सरकार जो आपने वादा करा ये 2024 तक आपको देखने को 100% है, इससे पहले हटना नहीं है। विपक्षी बोलने दीजिए, ये जो कानपुर की सौगात मिल रही, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को। बिल्कुल, साफ तौर पर 11,000 करोड़ रुपये की लागत से जो कानपुर मेट्रो की सौगात मिली है उससे कहीं ना कहीं कानपुर भी खुश है। हमारे साथ में और भी लोग, हमसे भी बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? संजय। कानपुर मेट्रो, आज कानपुर को मेट्रो की सौगात मिली है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है कि कानपुर में कई वर्षों के बाद आज ये हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ मेट्रो का जो आज शुभारंभ हो रहा है, बहुत खुशी बात है, गर्व की बात है कि कानपुर निवासियों के लिए भी बहुत खुशी की बात है। निर्भर की पल-पल की अपडेट जो कानपुर मेट्रो के उद्घाटन को लेकर, हमारे साथ में प्रभात खबर पर देखते रहिए। कानपुर से आयुष तिवारी, प्रभात खबर। प्रभात।